हर कोई औरत के मसाइल की बात करता है, मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि हसीन औरत के क्या मसाइल होते हैं? हाय क्या बताऊं, जहां जाती हूं अपने माथे पर ख्वाहिश का इश्तियार लगाए कोई ना कोई मर्द मेरे सामने आ खड़ा होता है। और आप लोग तो जानते हैं मेरी आदत दिल तोड़ने की नहीं मुंह तोड़ने की है। मेरे आज के मेहमान ज़रा भी ख़ास नहीं, एक्चुअली आई डिडंट वांटेड टू डू दिस इंटरव्यू, लेकिन मजबूरी भी किसी चीज़ का नाम होता है। खान साहब इनके बारे में कहते हैं कि जो हुकूमत जाती है दो ही चीज़ें छोड़कर जाती है, एक खाली ख़जाना और एक मेरे आज के मेहमान। कहाँ हैं आप? मिस, मैं आई कबीर। वॉक राइट इन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सोचा कि अचानक मैं आपके सामने आऊंगा तो आप कहेंगे आ गया मेरे सपनों का राजकुमार। That is why I didn't want you to do this interview. अब ये दोबारा लेंगे? अरे नहीं, क्या हो गया भाई, अब वो उमर वो स्टेमिना नॉट पॉसिबल। थैंक यू। नाइस कारवान। कारवान? यस। इंग्लिश यू स्पीक इट। भाई आपको क्या पेश किया जाए, मीठा तो बहुत पसंद होगा आपको। नमकीन। नमकीन? यस। आँखों का नमक, गालों का नमक, होठों का नमक, गर्दन का नमक। बस होल्ड ऑन, इनफ। अच्छा एक बात बताइए डीजल साहब। ये क्या आपने नाम लिया? मैं जा रहा हूँ। I'm sorry, अभी तो इंटरव्यू शुरू है, बैठिए अभी आप। अब मुझे किसी भी नाम से मुखातिब करें लेकिन ये ना कहे, मैं इजी कर देता हूँ। You can call me सख्त लौंडा। सख्त लौंडा? और आप कहाँ से? Everywhere. You know what? A lounder is supposed to be a virgin, जिसने किसी को ना छुआ हो। और आप? तो मैंने भी किसी को नहीं छुआ। हाँ, लोगों ने मुझे छुआ, कई बार छुआ, लेकिन मैंने किसी को नहीं छुआ। अच्छा ये फरमाइए, आपको मेरे खान साहब से क्या तकलीफ है? इमरान खान ने हमारे छावे में हाथ डाला है। सबसे पहले यूरोपी हसीना से शादी की, उसके बाद हमारी केपीके की पठान खातून से शादी की, और अब इस यहूदी एजेंट ने हमारी पर्दे वाली खातून को अपनी वाइफ बना लिया है। बताइए व्हाट अ लाइफ, एक टिकट में तीन तीन मजे। ओह तो आपको इमरान की परफॉर्मेंस से मसला है? दादा मैडम, परफॉर्मेंस का अंदाजा पुश अप से नहीं बल्कि अप करके पुश करने से लगाया जाता है। मतलब? मतलब आपको मैं समझाता हूँ मोहतरमा, अगर वो इमरान खान है तो हम भी जॉनी सिंध है। इट्स जॉन सीना। जॉनी सिंध, उसकी वाइफ किस्सा सिंध, बड़े अच्छे अच्छे एचडी क्लिप्स हैं इनकी। लगता है आप नाशपाती के अलावा सोशल मीडिया पे कुछ देखती नहीं, देखा करें, बड़ा काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीट गई, वजारत गई, कश्मीर कमेटी भी चली गई, प्रेशर तो बहुत होगा। हाँ प्रेशर मुझे जब ज़्यादा होता है तो मैं इससे बड़े प्रेशर का सोचता हूँ, तो मेरे ये प्रेशर प्रेशर नहीं रहता। कौन सा बड़ा प्रेशर? आह दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर, ब्लाउज के तीन हुक ये जो पीछे जुड़ते हैं, इसमें जो प्रेशर और तनाव होता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर, यकीन माने। यू कैन अंडरस्टैंड। मियां आतिफ डोनेटेड अ वूपिंग 1 million टू द डैम फंड। अब वो तो ठहरे काफिर और पैसे हो गए सारे मिक्स, तो फिर तो सारा पानी भी हराम हो गया ना। बिल्कुल भी नहीं। देखिए बात यह है मतलब कि मजहब जो है वो इंसानों का होता है, नोटों का नहीं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के नोट आपस में एक हैं, उनमें यकजहती है, हर नोट के ऊपर कायद आजम की तस्वीर आवेजा है और कायद आजम मुसलमान थे, तो इन नोटों के साए तले हब इश्क है, हब इश्क है। अच्छा मौलाना ये फरमाइए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं? मैं झाग वाले बाथटब में लेटता। डोंट बी चीप, बेहूदगी से हटकर बताइए। जस्ट इमेजिन करें कि एक बाथटब है जो लबालब यहाँ तक झाग से भरा हुआ है और आप उसमें आराम से लेटे हैं और बुलबुलों को खेल रहे हैं, उनके साथ खुशबुएं हैं, कितना कितना लुत्फ आता है इसमें, इमेजिन। मौलाना एटा भी चुबार निकल आऊं। कैसे आ जाऊं, कुछ पहना हुआ नहीं है। ये रुमाल से बच्चों की तरह खेलना बंद कीजिए। बचपन में तो हम रुमाली से खेलते रहे, बड़े होके रुमाल से खेल रहे, तो ये
चलता है। रुमाली, व्हाट्स दैट? रुमाली मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूरोप में एक ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को ब्रिज, ये ब्रिज यूरोप से सैन फ्रांसिस्को को बुलाता है, तो ये ब्रिज हुआ यूरोप की रुमाली। और अगर हम कभी इख्तदार में आए तो वादा करते हैं कि यूरोप की ये रुमाली फाड़ देंगे। ये क्या बयान थे, 14 अगस्त ना मनाए, इलेक्शन झूठा है, लाइक इख्तदार क्या वाकई आपकी इतनी बड़ी कमजोरी है? आप बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पैसा आपकी कमजोरी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपकी कमजोरी क्या है? कमजोरी तो मेरा बड़ा गोश्त है, वो भी हड्डी वाला, नली होती है ना, आप ऐसे करते ठोक ठोक के निकलती है फिर खाली हो जाती है, ऐसी आवाज आती है उसमें, वाटर ट्यूब। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या हुआ? आपकी साड़ी का LOC दिख रहा है जी। मैडम आपके ये साड़ी के बॉर्डर है, इसे ठीक करें, खराब हो रहा है, यहाँ लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपसे कैसे सवाल करूं। मैं आपको इजी कर देता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, ओके, व्हाट्स एज आई गो, ये 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 एंड हियर वी गो। अब आप पूछे जो मर्जी पूछे, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेरिकन सीरीज, गेम्स ऑफ थ्रोन, स्पार्टिकस, नेटफ्लिक्स, सीक्रेट गेम्स, सब अपने बेडरूम की खेती है। मौलाना, देयर इज अ लिमिट टू लेमनेस, कभी सीक्रेट गेम्स देखी भी है आपने? सीक्रेट गेम्स मैंने तो खूब भी पूरी देखी हुई है, सीजन 1 AP4 सीन नंबर 21 44 मिनट्स पे 31 सेकंड पे कुकू का ऐसा जालिमाना सीन है कि अगर आप देखें तो दिमाग की दही निकल आती है। व्हाई डोंट यू जॉइन मी हियर? आप यहाँ आकर बैठ लीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ भी आ जाता हूँ। व्हाट वाज दिस रबिश? ये लंगड़ी पाला था भाई, आपका फर्ज बता हुआ ना, दो डब्बे फिर एक डब्बा, तो उसमें जब करके जाते हैं, दो डब्बे एक डब्बा, दो डब्बे एक डब्बा। अगर आप सदर बन जाते हैं तो पहला कदम कौन सा उठाते? ये वाला। शर्म कीजिए, कुछ हया होती है। अच्छा नहीं लगा? ये वाला मौलाना। दो प्रॉब्लम, ओके, ये आई यू मौलाना, लाइक व्हाट, हु आर यू? अ सख्त लौंडा। लाइक इनफ, आई कांट टेक इट एनीमोर। आपने कोई आखिरी पैगाम देना है तो दीजिए, हम इंटरव्यू खत्म करें। कौम का पैगाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आपका पल्लू फिर से सरक रहा है। लाइक खुदा का वास्ता है, हद हो गया, आप चेहरे पे क्यों नहीं फोकस करते? चेहरे पे भी तो नमक है। ओके फाइन, आई एम सिटिंग हियर, आप एक दफा घूर लीजिए फिर आगे बात करते। बस बस बाबूजी बस, नमक आया लौंडा नहीं पिघला, पल्लू सरका लौंडा नहीं पिघला, लेकिन जब सारे उतार चढ़ाव देख लिए तो कौन लौंडा भला पिघल नहीं पाएगा ये। You go to hell, I am not interviewing him anymore. जान कीजिए, enough. जान कीजिए, जान किए वन पाऊं तो एक इंटरव्यू करूं।